कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, अरे कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, आप उम्मीद तो लगाओ, आप कोशिश तो करो, ये वर्ड प्रॉब्लम भी होंगी, रिजल्ट भी बनेगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एनसीईआरटी वर्ड प्रॉब्लम का पार्ट टू जरूर आएगा, सो आज मैं आपके बीच हाजिर हो चुका हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी वर्ड प्रॉब्लम पार्ट टू लेकर। बट वर्ड प्रॉब्लम अपने आप में ही बड़ा मुश्किल टर्म है, जैसे ही मैथमेटिक्स में वर्ड प्रॉब्लम का नाम आता है बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि हम उस सोसाइटी में जी रहे हैं जहां पे हमने न्यूमेरिकल करना तो सीख लिए बट प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई करना नहीं सीखा। कोई वर्ड प्रॉब्लम कहां से जनरेट हो रहे हैं? वर्ड प्रॉब्लम चेक करने के लिए होते हैं आपकी प्रोग्रेस को, कि आपने जो सीखा है क्या आप उसका रियल में यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा, एक गैस वेल्डर जो होता है बच्चों आपकी सोसाइटी में, आपकी लोकेलिटी में, आपने उसको गैस वेल्डिंग करते हुए जरूर देखा होगा। एक इलिटरेट इंसान, एक अनपढ़ इंसान जो कैल्शियम कार्बाइड से खुद एसिटाइलिन गैस बनाता है और उससे अपनी रोजी रोटी को चलाता है, गैस वेल्डिंग को करता है। इसकी प्रिपरेशन का मेथड हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th में गिवन है, कैल्शियम कार्बाइड को वाटर से रिएक्शन कराने पर एसिटाइलिन गैस बनती है। लेकिन अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि जो बच्चे इसको पढ़ रहे हैं वो इस गैस को बना नहीं सकते, और जो इस गैस को बना रहे हैं उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है। तो यहां पर हम लोग लैग कर रहे हैं बच्चों। अगर हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थ्योरेटिकल स्टडी के साथ मैच होने लगे तो हमारा, आप यकीन मानिए, दुनिया में लेवल कहीं और होगा, हम इससे बहुत ऊंचे पायदान पर खड़े होंगे, ये मैं बहुत यकीन के साथ कह सकता हूं। तो इस बात को करने का मोटिव सिर्फ इतना सा ही था कि हम जो पढ़ रहे हैं अगर हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते तो उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, वेस्ट है वो लर्निंग जो प्रैक्टिकल लाइफ में ना आ सके। समझ आ रही है आपको बात? तो अब बात में हम क्या कर रहा हूं, बात में ये कर रहा हूं कि हम एनसीईआरटी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ आपके सामने सॉल्यूशन लेकर नहीं आया हूं। मैं आपको फिर बता देता हूं, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं सिर्फ सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, वर्ड प्रॉब्लम को किस तरीके से जनरेट किया जा रहा है, उसकी लैंग्वेज को कैसे समझना है, उसके बेस पे हम और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जितना पोटेंशियल हमारे अंदर है उस पोटेंशियल का यूज करके, उस नॉलेज का यूज करके जो अभी तक बेसिक हमने सीखा है, किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम को पढ़े, किस तरीके से इक्वेशंस को बनाए जिससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमारी नॉलेज का हो सके। ये बात आपसे करनी बहुत जरूरी थी, बिकॉज आपको ये ना लगे कि सिर्फ एक बुक का सॉल्यूशन सर हमारे बोर्ड पर करा रहे हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर दिस, सॉल्यूशन नंबर दिस, ये मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। मेरा विजन जो मैं आपसे बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, मैथमेटिक्स में रिवोल्यूशन लेकर आना है, मैथमेटिक्स को ईजी बनाना है और हर बच्चे तक इसको पहुंचाना है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक इंकलाबी शायर थे, जैसा कि मेरी आदत है एक मोटिवेशन शायरी आपको सुनाना, दुष्यंत कुमार उनका नाम था, और जब देश में बहुत भागा दौड़ी चल रही थी, लोग निराश हो रहे थे और अंग्रेजों का राज हमारे देश पर चल रहा था। अब इसको अपनी स्टडी से आप रिलेट करिएगा, क्योंकि बच्चे हताश हो जाते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं कि 8 नंबर का तो आएगा, वर्ड प्रॉब्लम के 2 क्वेश्चन ही तो आएंगे, छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने कहा उस स्टडी का कोई फायदा नहीं है जिसको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में यूज नहीं कर सकते। तो दुष्यंत कुमार ने एक इंकलाबी शेर बोला जो आज तक याद रखा जाता है, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए सुनाया जाता है। तो उन्होंने कुछ इस प्रकार से कहा था कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, अरे कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, आप उम्मीद तो लगाओ, आप कोशिश तो करो, ये वर्ड प्रॉब्लम भी होंगी, रिजल्ट भी बनेगा। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का #8 लेक्चर नंबर 8 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी आज कंप्लीट होने जाएगी और आप सब जानते ही हैं, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर फरमान मलिक, और यह है आपका ब्यूटीफुल सा प्यारा सा चैनल जिसमें आप सीखते हैं मैथमेटिक्स विद प्रूफ, दैट इज एफएम मैथ्स। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज मैंने पीडीएफ की फॉर्म में ले लिया है, और जो लास्ट की 2 एक्सरसाइज थी वो हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व की थी। तो आज बात होगी एक्सरसाइज 4.3 से, एक्सरसाइज 4.3। इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको पहली वर्ड प्रॉब्लम मिलेगी और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूं बहुत सारी बार
कि मैं यहाँ पे एयर मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बट मोस्टली 90% सीबीएसई में जो वर्ड प्रॉब्लम आई है वो एनसीईआरटी से ही आई है। तो मल्टीपल ईयर्स में ये क्वेश्चन देखे गए हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ। तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, अब एज वाला कॉन्सेप्ट आया है तो मैं एज को पूरा ही आपको सिखा देता हूं। जब भी किसी एज का क्वेश्चन आए, चाहे एक लोग हो या दो लोग हो, मैंने कहा था मैं एनसीईआरटी लेकर नहीं आया हूं, क्वेश्चन एनसीईआरटी के है लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा सिखाऊंगा। तो कभी भी एज का क्वेश्चन आता है वो कहेगा 3 साल पहले की बात हो रही है, 5 साल आगे की बात हो रही है। आपको बेटा, मेरे बच्चा, आपको सिर्फ इतना सा करना है, आपको प्रेजेंट एज लेट करनी है। तो रहमान की बात हो रही है क्योंकि हमें आफ्टर ऑल बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन देना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो लेस रहमान्स प्रेजेंट एज, कि हमने मान लिया जो रहमान्स की प्रेजेंट एज है, इस बात को आप अंडरलाइन करिएगा। कभी भी किसी की एज को आप लेट करें तो आप केस को अप्लाई करा पाए, इसलिए प्रेजेंट एज हमेशा लेट करनी है। तो लेट्स रहमान्स एज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, कि अभी रहमान साहब जो हैं वो एक्स सालों के हैं, हमें तो पता नहीं। अब क्वेश्चन में दो बातें कही गई हैं, बड़ी आराम से, जितने साल पीछे की बात हो रही है उतना माइनस करा दो, जितने साल आगे की बात हो रही है उतना प्लस करा दो। तो इन्होंने कहा है 3 years अगो, भाई 3 साल पहले रहमान साहब एक्स माइनस 3 years के होंगे। 5 years फ्रॉम नाउ, भाई आज से 5 साल के बाद रहमान साहब एक्स प्लस 5 years के होंगे। अब क्वेश्चन को समझिए, द सम, चलिए भाई साहब सम कर दिया लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज, यानी कि रहमान की एजेस जो है 3 साल पहले की और 5 साल पहले की, उनका सम तो करना है लेकिन उनके रेसिप्रोकल। तो भैया रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x-3। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x+5। ये हमने कैसे किया, ये हमने किया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो सीखना है तो टाइम तो लगेगा, फटफट, कोई जादू की छड़ी नहीं है, फरमान सर कोई कैप्सूल नहीं खिला रहे हैं यहां पर, समझ रहे, कोई गोलियां नहीं बांट रहे कि ये जूस पी और धड़ से बस हीरो बन जाओ, ऐसा नहीं होता है, स्टडी में ऐसा नहीं होता, समझ गए। तो 3 साल पहले की एज, 5 साल बाद की एज, दोनों का सम रेसिप्रोकल के साथ कितना आ रहा है, सवाल में देख लेते हैं भाई, इन दोनों की रेसिप्रोकल का जो एज का सम दिया है वो 1/3 दिया है, 1/3। फाइंड द प्रेजेंट एज, मैं फिर से बोलूंगा, अगर अभी तक आपने फैक्टराइजेशन मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विद प्रूफ श्री धाराचार्य का रूल अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो उससे महरूम ना रहिए, डिस्क्रिप्शन में हर जगह लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं अगर आप नए हैं तो। बाकी जो बच्चे स्टार्ट से चल रहे हैं तो उनकी सीरीज बहुत बेहतर चल रही है। हालांकि मुझे इसको यहीं पर छोड़ देना चाहिए क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं मेंटर हूं, सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूं, इसके आगे का काम आपका है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत सॉल्व किए। तो इसको चलिए इक्वेशन तक तो लेकर ही चलते हैं, इक्वेशन तक लेकर चलते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं मैं कोई हलवा नहीं खिला रहा हूं, चम्मच से उठा लो बेटा खा लो, लो लो, नहीं नहीं खा लो, थोड़ा सा खा लो, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर सीखना है मोस्ट वेलकम। एलसीएम ले लेंगे, x-3 x+5। जिन बच्चों को यहां भी प्रॉब्लम है, कई बार आई है बात, तो मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, निंजा टेक्निक लगा दीजिए, वेरिएबल का एलसीएम अगर लेने प्रॉब्लम है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों का और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा x प्लस 5 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 5 आएगा, x-3 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे x-3 आएगा और इधर 1/3 हो जाएगा। x और x 2x हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो हमारा बचेगा 2। मल्टीप्लाई करेंगे x की x से करेंगे x स्क्वायर, माइनस का 3x प्लस का 5x, तो बेटा प्लस का 2x बनेगा। इतना स्टेप डायरेक्टली करना सीखो, 5 × 3 = -15 = 1/3। इतनू से स्पेस में इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, 3 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो 3 × 2 = 6x और 3 × 2 = 6 इक्वल, इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी, सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15। तो हम इनको ट्रांसपोज कर देंगे RHS में, एक्स स्क्वायर 6x उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस का 4x बचेगा, 6 जाएगा, 15 × 6 = 21 हो जाएगा। 7 × 3 = 21 होता है, साफ नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है। तो हम एक काम कर सकते हैं, x माइनस का 7, x प्लस का 3 ले लेते हैं,
मैं डायरेक्ट फैक्टर बना दे रहा हूं, इतनी अंडरस्टैंडिंग हमारी तो बन चुकी है यार, वरना इतने पिछले लंबे चौड़े लेक्चर पढ़ने का फायदा क्या है। तो यहां से x बराबर 7 और x बराबर -3, कुछ बच्चे इतना सॉल्यूशन छोड़ के आते हैं, तो एज अ बोर्ड इनविजिलेटर, एज अ बोर्ड एग्जामिनर, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आपसे उन्होंने रहमान की प्रेजेंट एज पूछी थी, आपसे एक्स की वैल्यू नहीं पूछी थी। अगर आप इतना लिख के छोड़ आएंगे और यहां पे लिख भी देंगे कि सर -3 में तो किसी का एज होता नहीं है और एक्स बराबर 7 ईयर्स हम लिख के चले जाएंगे, तो क्वेश्चन में रहमान की एज पूछी थी, एक्स की वैल्यू तो आपने एक्स माना था रहमान की एज को, मैंने नहीं माना था। तो आपको यहां पर लास्ट में लिखना पड़ेगी रहमान्स प्रेजेंट एज इज 7 ईयर्स, क्योंकि यहां पे 3 तो -3 तो पॉसिबल नहीं है, तो वो लास्ट में आप लाइन जरूर ऐड करेंगे, मैं हमेशा बोलता हूं। तो एवरीथिंग, मैं यहां पर आपको हर चीज गाइड कर रहा हूं, किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है, भले ही देर लग रही है मैं मान रहा हूं, मैं सॉल्व थोड़ी कर रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं आपको, समझ आ रही। आगे के क्वेश्चन में स्पीड बढ़ाएंगे। तो रहमान की प्रेजेंट एज बच्चों 7 साल आ गई है, बहुत आसानी से ये सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो अगर आपको आ रहा है पढ़ने में मजा और आपको लग रहा है कि आपके आसपास आपका कोई फ्रेंड जिसको जरूरत है, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज मैं नहीं कहूंगा कि लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जब कंटेंट आपका अच्छा होता है तो लाइक्स तो आपको अपने आप ही मिल जाते हैं, उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो रिक्वेस्ट मैं बस इस चीज का करूंगा कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा फ्रेंड है कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो उसको चैनल सजेस्ट कर दे, अच्छा लगेगा, उसकी भी चॉइस है, तो देखेगा, समझ आएगा तो फॉलो करेगा, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार सवाल आ चुका है। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली'स मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30 डिग्री। एक लड़की है शेफाली, उसके मैथ्स में और इंग्लिश में मिलाकर जो मार्क्स हैं वो 30 हैं बच्चों। तो यहीं पर हमें एक एजम्पशन लेना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, या तो मैथ्स के मार्क्स एक्स मान लो या इंग्लिश के मार्क्स एक्स मान लो। सो सर दूसरे वाई मान ले, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, एक्स वाई अगर मान लो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो क्वाड्रेटिक बनने की होगी तो क्वाड्रेटिक बनेगी, लीनियर बनने की होगी तो लीनियर बनेगी। ये भ्रम आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि क्वाड्रेटिक में लीनियर में प्रॉब्लम आता है। सर क्वाड्रेटिक में होता है एक वेरिएबल, लीनियर में होते हैं 2 वेरिएबल, आती है हमको प्रॉब्लम वेरिएबल कैसे चूज करें, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको एक्स मानो, इसको वाई मानो, तो एक्स प्लस वाई बराबर 30 हो जाएगा, वाई की वैल्यू 30 माइनस एक्स, तो हम वैसे भी तो वही कर रहे हैं। तो लेट्स शेफालीज मैथ्स मार्क्स बी एक्स, हमने मान लिया शेफाली के जो मैथ में नंबर आ रहे हैं वो एक्स आ रहे हैं, देन हर इंग्लिश मार्क्स कितने हो जाएंगे, मैं पूरा वर्ड में आपको लिख के दिखा रहा हूं, तो उसके इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे, ऑब्वियस बात है दोनों मिला के 30 हैं, तो 30 में से मैथ्स वाले माइनस कर दो यार, सिंपल सी बात है, इंग्लिश के आ जाएंगे, कोई डाउट है यहां तक, कोई डाउट नहीं है। अब आगे क्या करेगा, वो सिचुएशन दे देगा आपको, बहुत सिंपल सी सिचुएशन होगी, उसको अप्लाई कराना है, आंसर धड़ से बनेगा। लेकिन यहां रेस आंसर की थी ही नहीं, रेस थी लर्निंग की, सीखा कैसे जाए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने कहा, हैड शी गॉट 2 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, हैड शी गॉट 2 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, अगर उसके 2 नंबर ज्यादा आ जाते मैथ्स में, 2 नंबर ज्यादा कर दो भैया कितने आ जाते, एक्स प्लस 2 आ जाते, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 3 मार्क्स लेस आ जाते हैं इंग्लिश में, 30 माइनस एक्स माइनस 3, वही इंग्लिश के 30 माइनस एक्स तो है ही, 3 और कम कर दो। आगे क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्क्स वुड हैव बीन 210, तो उसके नंबर का जो प्रोडक्ट है, लो भैया प्रोडक्ट, समझ रहे गेम, समझ रहे वर्ड प्रॉब्लम को समझने का, अगर ये चीज समझ में आ गई, अगर इसको समझ डाला तो लाइफ जिंगा लाला, ये मैं गारंटी देके बोल सकता हूं। तो द प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्क्स वुड हैव बीन 210, तो उसके मार्क्स का प्रोडक्ट 210 हो जाता है। इक्वेशन आपके हाथ में है, सॉल्यूशन आपके हाथ में है, फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट, तो 2 सब्जेक्ट में उसके नंबर कितने कितने आए बता दो। तो भैया बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, x प्लस 2, 30 में से 3 माइनस कर दो, 27 बचेगा, माइनस का x इक्वल टू 210, मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो x की मल्टीप्लाई 27 से कराएंगे, 27x आएगा, x की माइनस x से कराएंगे, माइनस x स्क्वायर आएगा, 2 की 27 से कराएंगे तो हमारा 54 आएगा, और अगर 2 की x से कराएंगे तो माइनस का 2x इक्वल टू 210।
एक्स स्क्वायर माइनस में कभी छोड़ते नहीं है, उसको उधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर जो है पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 27x माइनस का 2x 25x बचेगा, 25x अगर हम RHS में लेके जाएंगे तो माइनस का 25x हो जाएगा, प्लस का 54 उधर माइनस में 54 बन के जाएगा, तो 210 से 54 आप माइनस कर लीजिए, 10 से 4 जाएगा 6 बचेगा, 20 से 5 जाएगा तो 15 बचेगा, यानी कि 156, वो भी किसका, प्लस का 156। इतनी बात समझ में आ रही है। ऊपर का हम कर देते हैं इरेज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत आराम से, कोई इश्यू नहीं। तो कोई, आप देख रहे हैं ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं कि बहुत मुश्किल है साहब, 156 के फैक्टर करके 25 ले आओ। आई होप आप इसको आराम से सॉल्व कर लोगे, फिर भी चलिए देख लेते हैं। 2 7 2 8 2 3 6 2 9 18, 3 से बना लेते 3 3 1 3 3 3 9 3 2 6 2 12, बस बन गई बात, 3 2 6 2 12, 12 और 13 कितना होता है, 25 होता है। तो यहां पे थोड़ा सा स्ट्रगल, आपको वो फैक्टर बनाने पड़ेंगे, फैक्टराइजेशन का पूरा मैंने आपको एक लेक्चर आई थिंक #2 और #3 में पूरा मैंने तीन टाइप का फैक्टराइजेशन आपको समझाया है, तो यहां पे आप आराम से कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन भी आपके पास है, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल होता है, ये मैं रट के ना ही रट के खुद आता हूं ना मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, रट के ऑन द स्पॉट बनाना पड़ता है वो, तो आराम से आपका हो जाएगा। अगर आपको वहां पे प्रॉब्लम आ रही है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास है, बिंदास लगाओ और सॉल्व कर दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x ले लेते हैं और माइनस का ही 13x, तो डायरेक्टली फैक्टर ही बना देते हैं, x माइनस 12 x माइनस 13 इक्वल टू 0, आराम से हो जाएगी बात, ओके। तो यहां पर दोनों मार्क्स ही पॉजिटिव आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों मार्क्स पॉजिटिव आ जाने दीजिए। एक्स की वैल्यू 12 आ रही है और एक्स की वैल्यू 13 आ रही है, तो यहां पे दो आंसर आपके पॉसिबल है। आपने मैथ्स के मार्क्स 12 माने थे, तो अगर दो कंडीशन बनेंगी यहां पर, इसलिए यहां से एक सीख आपको और मिल जाएगी। तो अगर मैथ्स के मार्क्स कितने हैं, मैथ्स के मार्क्स अगर हैं उसके 12, राइट, मैथ्स के मार्क्स अगर 12 है तो दोनों का सम कितना था, आप स्टार्टिंग में पहली क्वेश्चन पे चले जाइए, 30 था, तो इंग्लिश के मार्क्स जो होंगे वो हो जाएंगे आपके 80। दूसरी कंडीशन, अगर हम एक्स की वैल्यू 13 ले लेते हैं, कंडीशन दोनों में सेटिस्फाई हो जाएगी। और इफ मैथ्स मार्क्स, अब यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, अगर मैथ्स के मार्क्स आप क्या ले लेते हैं, इफ मैथ्स मार्क्स अगर आप ये 13 ले लेते हैं तो जो इंग्लिश के मार्क्स हैं वो हो जाएंगे 17, राइट। अब इस बात को समझिए, दोनों का सम 30 आ रहा है। अब आप कंडीशन बना के देख लीजिए, उन्होंने कहा था अगर मैथ्स में 2 बढ़ा दें 14 कर दीजिए, और इंग्लिश में 3 कम कर दें 15 कर दीजिए, और जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे आंसर 210 आएगा। प्रोडक्ट वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्यों, आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि सर ये दो आंसर कैसे आ रहे। और अगर आप मार्क्स कर दें मैथ के 13, समझ में आ रही बात, और इंग्लिश के कर दें 17, तो मैथ्स के 2 बढ़ा लीजिए 13 2 15, और इंग्लिश के 3 कम कर दीजिए तो 17 में से 3 कम कर देंगे तो 14 हो जाएगा, तब भी आपका जो आंसर है वो फिर से 210 आएगा। तो बोथ आंसर आर करेक्ट, या तो मैथ्स में 12 मार्क्स है इंग्लिश में 18 मार्क्स है, या फिर मैथ्स में 13 मार्क्स है और इंग्लिश में 17 मार्क्स है। तो दीज आर द सेट ऑफ टू पॉसिबल आंसर्स इन दिस क्वेश्चन, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर, जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है, बट प्रॉब्लम नंबर तो 3 है, लेकिन इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर है वो 6 है, और ये काफी आसान क्वेश्चन है। डायगोनल की बात हो रही है, पाइथागोरस थ्योरम आराम से लग जाएगी। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो भैया मैं तो इसको ऐसे ही समझा देता हूँ, बहुत सिंपल है। रेक्टेंगल कब से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ये बताइए आप, रेक्टेंगल कब से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसका जो डायगोनल है, ये डायगोनल हो गया, शॉर्टर साइड हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम बिंदास चलेगी इसमें। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड को x मान लेते हैं, लिख नहीं रहा हूं मैं, तो उसका डायगोनल कितना हो जाएगा, x प्लस 60, दैट्स ऑल। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड,
इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड. लॉन्गर साइड कितनी हो गई x प्लस 30, शॉर्टर साइड से कितनी है 30, तो ये ज्यादा है. तो आपसे पूछा है फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, तो फील्ड की साइड्स बताइए, यानी कि लेंथ टू ब्रेथ. तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करा देंगे. ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो आप लिख लीजिएगा, लेट द शॉर्टर साइड बी x, देन द डायगोनल इक्वल टू x प्लस 60 एंड द लॉन्गर साइड इक्वल टू x प्लस 30. फिगर भी आप साथ में दे सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे. ऑब्वियस ही बात है, रिप्रेजेंटेशन पे तो बहुत कुछ डिपेंड करता है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कराइए, x प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर. अब इसको हम करेंगे सॉल्व, तो x स्क्वायर 60 का स्क्वायर 3600 प्लस का 2ab दैट इज 120x, x प्लस 30 का स्क्वायर दिस मींस x स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900 प्लस का 60x और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर, एक x स्क्वायर से एक x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा राइट. तो ये x स्क्वायर बचेगा, ये 120x उधर माइनस में जाएगा, जब 120 उधर माइनस में जाएगा 6 प्लस का है तो 120 से 6 माइनस कर दीजिए, माइनस का 114x हो जाएगा राइट है. और ये 3600 उधर माइनस में जाएगा तो माइनस का 2700 बचेगा, क्योंकि 36 में से 9 माइनस कर देंगे. ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. इसका आंसर आप खुद निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे ईमानदारी से, अगर आपने सॉल्व किया है तो. तो फाइनली इक्वेशन मेन काम है वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन बनाना, इक्वेशन को सॉल्व करना तो पिछले 8 लेक्चर से सीख रहे हैं हम लोग. तो बड़ा सिंपली है, बहुत आराम से आपका ये सवाल भी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग आएंगे इसके बाद. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, किस तरीके से किया जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 7 इज द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180. क्वेश्चन नंबर 7 ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन काफी क्रिएट हो सकता है इसमें. द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है. अब दो नंबर क्या माने, समझ आ रही है बात, तो अभी देखिए इसको आगे पढ़ते हैं. द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. अब भैया दो नंबर तो पहले मानने पड़ेंगे, यहां पे एक्स वाई की थोड़ी हेल्प मैं ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है अगर दो नंबर की बात चल रही है और बच्चा डायरेक्ट, क्योंकि जब लंबी बात होती है तो एक नंबर को दूसरे नंबर पे लिंक कर पाना मुश्किल है, लेकिन बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है. तो एक है स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इसको मार्क कर लीजिए क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूज हो सकता है कोई बच्चा. और एक है लार्जर नंबर, स्मॉलर नंबर को मैं एक्स मान लेता हूं, लार्जर नंबर को मैं वाई मान लेता हूं ठीक है. आगे लिखा था उन्होंने द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180, दो नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर लार्जर है और एक नंबर शॉर्टर है, तो कन्फ्यूजन ये हो सकता है अगर आपने लार्जर शॉर्टर नहीं माने तो दिक्कत आती है, क्योंकि बड़े वाले का स्क्वायर बड़ा होगा, छोटे वाले का स्क्वायर छोटा होगा. अब छोटे वाले के स्क्वायर में से बड़े वाले का स्क्वायर माइनस करोगे तो आंसर तो माइनस में आएगा, और वहां पे 180 दे रखा है प्लस में, तो दिक्कत आ जाएगी. तो आपको पहले ही मेंशन करना पड़ेगा कि विच वन इज स्मॉलर विच वन इज लार्जर. तो द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, तो y को मैंने लार्जर माना है, तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 180 ठीक है, केस वन हो गया. अगर मैं एक की वैल्यू दूसरे की फॉर्म में निकालता भी हूं तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 प्लस x स्क्वायर, या x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 180, वो देख लेंगे किस तरीके से आगे बन रही बात. इक्वेशन वन देखिए आगे क्या लिखा था, आगे लिखा था द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर केस टू, बहुत ही अच्छा सवाल है. स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर था वाई तो इसका 8 टाइम्स है, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू को हम 8y रख सकते हैं, आराम से इक्वेशन बनेगा. तो केस टू ये हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y. इसको दूसरी इक्वेशन बना के पहली में पुट करा दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, बहुत बिंदास बनेगा, बहुत आराम से हो गया. तो वहां y की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, y की वैल्यू सॉल्व कर लीजिएगा, वहां यहां रखवा दीजिएगा, x भी आ जाएगा. चलिए करते हैं, तो y स्क्वायर इक्वल टू 180 प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह क्या रखवा लेंगे 8y, तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी, y स्क्वायर माइनस का 8y माइनस का 180 इक्वल टू 0 राइट. अब इसके फैक्टराइजेशन हम लोग कर लेते हैं 180 के, 180 से देखिए कैसे हमें क्या बनाना है, 8 बनाना है,
तो धीरे धीरे चलिए करेंगे, 2 9 18 2 45, तो 5 3 15 से तो नहीं बन रही, 5 2 10 और 3 3 9 9 2 18, बस हो गया काम, 18 और 10, और वैसे भी डायरेक्टली भी आ रहा था बट आपको हिट एंड ट्रायल तो लगाना पड़ता, 18 10 180। चलिए कोई इशू नहीं है, तो y स्क्वायर, अब इसको मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, हमें माइनस का एड बनाना है तो माइनस का लेना पड़ेगा 18 और प्लस का लेना पड़ेगा 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों हमको y की दो वैल्यू मिल जाएंगी बहुत आराम से, y इक्वल टू 18 और y इक्वल टू माइनस 10। तो नंबर है, नंबर के स्क्वायर से तो बन जाएगा, बट उन्होंने अगर नंबर पे लिखा है पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि यहाँ पे जो केस है वो स्क्वायर में है, बट इस वाले नंबर का स्क्वायर y वाले का 8 times है, तो हम नेगेटिव नहीं ले पाएंगे, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसा आएगा, पॉजिटिव, और y की वैल्यू अगर हमने नेगेटिव ले ली तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव के इक्वल कैसे होगा। तो हर केस में आपको जस्टिफिकेशन भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से बात जस्टिफाई हो रही है, समझ गए ना बात को। अगर y की वैल्यू यहाँ -8 -10 रखवाते हो तो ये नंबर माइनस आएगा, और दुनिया में हर नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, तो y इक्वल टू 18। समझ में आ गई बात, यानी कि जो लार्जर नंबर है मैं यहाँ पे लिख दूंगा, लार्जर नंबर इज 18, देन द स्मॉलर नंबर इज कैसे आएगा, इसको इक्वेशन सेकंड में पुट कराएंगे, वो हम यहां सॉल्व कर लेते हैं, इस जगह को हटा देते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आराम से। तो सिंस हम जानते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना था हमारा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू था हमारा 8y, और y की वैल्यू कितनी हमारी 18, सही है, एक्स स्क्वायर 8 को हम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए, चलिए चलो 80 लिख लेते हैं, और 18 को हम लिख सकते हैं 2 9 राइट, थोड़ा सा अलग से सॉल्व करो, 18 के 8 से मल्टीप्लाई कौन करेगा एक घंटा, तो 8 2 16 इंटू 9, और x पे से स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा, 16 से बाहर 4 आ गया, 9 से बाहर 3 आ गया, 4 3 12, तो जो छोटा वाला नंबर है वो है 12, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूज करने वाला था, क्योंकि इसमें से दोनों एक वेरिएबल की फॉर्म में मानने में आती दिक्कत, तो दो वेरिएबल का फायदा तो है कहीं ना कहीं, समझ आ गई होगी आपको ये बात, इसका आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं जिसमें बच्चे जाते हैं फंस, इस वजह से मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी की वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट दो दो बार आपकी एग्जामिनेशन से पहले सॉल्व करी हुई होनी चाहिए, एक एक ईच एंड एवरी वर्ड प्रॉब्लम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। अब इस टाइप का क्वेश्चन एक हमने कराया भी था, स्पीड डिस्टेंस और टाइम का, तो एक दोबारा रिवाइज हो जाएगा, पिछली एक्सरसाइज में भी था, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, जो डिस्टेंस है वो 360 किलोमीटर है और यूनिफॉर्म स्पीड पर ट्रेन चल रही है, तो लेट यूनिफॉर्म स्पीड, मैंने कहा था यूनिफॉर्म स्पीड को लेट कर लीजिएगा, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आर, x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मान लेते हैं कि वो ट्रेन चल रही है, राइट right. आगे लिखा, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आर मोर इट वुड टेक 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, वैसी बात है तेज चलेगी तो टाइम कम लेगी, कितना, 1 घंटा कम लेगी, तो पहले कितना ले रही थी भाई, पहले वाले में से ये वाला माइनस करोगे तभी तो 1 बचेगा, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बात को, कि भैया अगर हम उसकी स्पीड को इतना बढ़ा दें तो जितना भी दे रखा है तो ये 1 घंटा कम लेगी, कितना 5 किलोमीटर पर आर, तो पहले कितना ले रही थी, समझ में आ रही है बात, तो देखिए कितना टाइम टेकन इन फर्स्ट केस, पहले केस में कितना टाइम ले रही थी, T1 मान लिया, भाई टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस चल रही थी वो 360 और उसकी स्पीड थी यूनिफॉर्म थी, यूनिफॉर्म मतलब x, कितना आएगा ये टाइम, r में तो आएगा। अब केस टू, टाइम टेकन इन सेकंड केस, सेकंड केस का t2 टाइम मान लेते हैं, भैया डिस्टेंस में तो कोई फर्क नहीं करा ना उन्होंने, हाँ स्पीड बढ़ा दी 5, तो x प्लस 5 हो गया r हो गया, स्पीड जब 5 बढ़ाई तो टाइम कम लगा, कितना, 1 घंटा। अब आप खुद बताइए, यानी कि ये वाला जो टाइम है ये 1 घंटा कम है, किससे, इस वाले से, सवाल में दिया है, मैं खुद थोड़ी कह रहा हूं,
बस हो गया काम यहीं पर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट होता है, मोस्टली यही आता है, ठीक है, स्पीड डिस्टेंस टाइम पर। तो ज्यादा कौन सा है मैथमेटिकली एक्सपर्ट से देखें, तो जिसका सेम अगर न्यूमरेटर सेम होता है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ा है ना, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटी। ये x प्लस फाइव है, ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, और ये छोटा डिनोमिनेटर है तो ये फ्रैक्शन बड़ी होगी, फोर्थ क्लास में पढ़ा दिया गया था, समझ रहे। इतना सब कुछ सीखने को नहीं मिलता है एनसीईआरटी वर्ड प्रॉब्लम में, कहीं से टीपो का सॉल्यूशन ही तो टीप लोगे और क्या कर लोगे, सीख थोड़ी लोगे। तो 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 1, एक घंटा ज्यादा, बस सॉल्व कर लीजिए। 360 को जरा बाहर ले लीजिए, पहले 1 बचेगा, x प्लस 5 की 1 से मल्टीप्लाई माइनस x की मल्टीप्लाई अपॉन x x प्लस 5, थोड़ा आसान हो जाता है और कुछ नहीं होता, x x कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो 5 की 360 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 500, 5 से 30, 30 का 0, कैरी 3, 5 से 15 और 3 18, 1800 हो जाएगा। x की इससे कराएंगे x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x, दैट्स ऑल। तो x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1800 इक्वल टू 0, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। यहां से अब 1800 के फैक्टर कर लीजिए और 5 बना लीजिए, बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसको कैसे बना, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। नोटबुक और पेन तो आपको मस्ट है भाई, हटा दें, ठीक। 1800 के फैक्टर करना है 5, तो भाई देखते हैं क्या है, 5 से कर 5 3 15, 3 बचेगा 5 से 30, 0 0, 5 से करते हैं 5 7 35, 5 7 35 = 5 2 10, 5 25 25 7 5, मुश्किल है भाई कहानी। तो 3 से कर लेते 3 2 6, 3 2 6 बचा 1, 3 4 12, 3 8 8 5 40, 3 3 9 9 5 45, देखिए बन गया 8 5 40, 3 3 9 9 5 45, 45 और 40 आ रहा है आराम से, तो हमें प्लस का 45 ले लेते हैं और माइनस का 40 ले लेते हैं, बराबर 0, ठीक हो गया। x की वैल्यू माइनस 45, x की वैल्यू प्लस 40, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो आप लिख देंगे एक लाइन में, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सवाल भी बहुत आराम से खलास हो गया।